हेलो, दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी को। चलिए सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़िए जुड़ जाइए। चलिए अब हम लोग आगे जल्दी जल्दी अपना पढ़ाई करते हैं। कहाँ गए सभी लोग, जल्दी जल्दी आइए जुड़िए। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रीय उद्यान वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ये क्या है? यह एक ऐसा अधिनियम जो राज्य सरकार किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ जीव जंतु वनस्पति जलीय महत्व का हो तथा जिसे संरक्षित किया जाना अति आवश्यक है, उसे वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत उसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है राज्य सरकार। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। भारत का पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन है? जीव कॉर्बेट उद्यान, जो उत्तराखंड में है, 1936 में बना था। इससे पहले हैली नाम से जाना जाता था। जिम कार्बन पार्क से गंगा रामगंगा नदी बहती है। फिर सभी लोग जल्दी लाइक करिए। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। यह हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो लद्दाख हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पूर्वी भाग में स्थित है। यह भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल कितना है? 4400 किलोमीटर है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ है? तो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, जिसका क्षेत्रफल 0.03 वर्ग किलोमीटर है। सभी लोग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? किबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क। यह मणिपुर राज्य के इम्फाल एवं विष्णुपुर जिले में स्थित है। यह 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। इस पार्क का मुख्य जीव अति संकटग्रस्त संघाई मणिपुरी हिरण है। रामसर अभिसमय के तहत इस अंतर्राष्ट्रीय महत्व का आदर्श स्थल घोषित किया गया है। कश्मीरी महामृग कहाँ पाया जाता है? तो डाचीगाम सेंचुअरी में। डाचीगाम सेंचुअरी में कश्मीरी महामृग पाया जाता है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पक्षी उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। भारत पक्षी विज्ञानी की और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। कितना है? तो राष्ट्रीय उद्यान 11 है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध उद्यान कौन है? गिरवन है। गिरवन उद्यान है, गुजरात में है। एक सींग वाला गेंडा कहाँ प्रसिद्ध है? जलदपारा में, पश्चिम बंगाल, और काजीरंगा असम में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सेटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। यह लखीमपुर खीरी में है, जिसे 1967 में वन जीव अभयारण्य तथा 1977 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है। सभी लोग, ये वीडियो सभी लोग की है, जनरल जनरल नॉलेज के लिए भी है। भितरकणिका नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में है। यहाँ मैनग्रोव वनों की कई प्रजातियाँ पाई जाती है। यहाँ कछुओं की चारों प्रजातियाँ, ओलिव रिडले कछुआ, ग्रीन सी कछुआ, हॉक्सबिल कछुआ और लेदर बैक कछुआ पाई जाती है। ये भितरकणिका नेशनल पार्क जो है विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रेडियल कछुआ का प्रजनन स्थल है। राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित कौन सा राष्ट्रीय नेशनल पार्क है? तो केवलादेव घना नेशनल पार्क है। यह पार्क केवलादेव नेशनल घना नेशनल पार्क जो है पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ साइबेरियन सारस प्रजनन हेतु
तो प्रवास करते हैं। यहाँ से नदियाँ बाढ़ गंगा एवं गंभीरी प्रभावित होती है। राष्ट्रीय उद्यान इसको सही के लिए क्या है, सुल्तानपुर है क्या है? ये कट हो गया था, कट हो गया, इसको सही कर लिया। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? यहाँ पे हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है। मार्च 2022 तक भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान थे। राष्ट्रीय उद्यान 106 थे। कौन कौन ये इतना दिया हुआ है सभी को देख लीजिएगा। PDF सभी को सुशांत राज एनर्जी बूस्टर टेलीग्राम चैनल पर सर्च मारिएगा, मिल जाएगा वहाँ पे सारा PDF है इसमें। और सुशांत राज एनर्जी बूस्टर पे, सुशांत राज एनर्जी बूस्टर के लिए PDF अवेलेबल है कहाँ पे? सुशांत राज एनर्जी बूस्टर पे, इसको यहाँ से इसको यहाँ पे मिल जाएगा। और हैप्पी दिवाली वंस अगेन, खुश रहिए सभी लोग, आराम आराम से अपना एंजॉय करिए, पटाखा फोड़िए। हैप्पी दिवाली टू ऑल। और सुशांत राज एनर्जी बूस्टर से यूट्यूब चैनल पर सभी लोग को शेयर और सब्सक्राइब करवाइए, सबको ये नॉलेजबल है, इसको अच्छे से एकदम पढ़िए ध्यान से एकदम। जय चलिए।